हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू आर वेबसाइट www.shivalearning.in। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जेई मेन 2 अप्रैल 2019 का जो एग्जामिनेशन होने वाली है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कब से खुल रहे हैं और क्या स्टेप्स हैं और कैटेगरी वाइज फीस रजिस्ट्रेशन की क्या होगी। तो गाइज, देरी न करते हुए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले। तो मैं आपको बता दूं, वो कल से स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि फरवरी 8 तारीख 2019 से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और जो कि मार्च 7 तारीख तक होंगे। तो एक थोड़ा सा पैराग्राफ है, इसको हम पढ़ लेते हैं। द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जेई मेन अप्रैल 2019 विल बी रिलीज ऑन फरवरी 8। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फिल एंड सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जेई मेन 2019 फॉर द अप्रैल सेशन टिल मार्च 7। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु रजिस्टर सक्सेसफुली विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑल ऑफ द डिटेल्स रिक्वायर हैज़ टू बी फिल्ड बाई द कैंडिडेट्स। तो किस किस टाइप्स की डिटेल होंगी वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाके आपको बताता हूँ कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है और क्या क्या भरना है आपको, और डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करने हैं, और जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि इसमें बताऊँगा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और फीस बता देता हूँ। देन इम्पोर्टेंट डेट्स और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड बी चेक प्रॉपरली बिफोर अप्लाइंग फॉर अप्रैल। इसमें स्टेप मैं आपको बताता हूँ। स्टेप नंबर 1 है रजिस्ट्रेशन, जैसे कि आप लॉग इन पेज पर खोलेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन उसके बाद फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपके लॉग इन आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स होंगे वो आप डालेंगे उसमें। बाद में स्कैंड इमेज आपको अपलोड करनी है, पेमेंट करनी है। लास्ट और फाइनल स्टेप एक्नॉलेजमेंट, आपको प्रिंट आउट उसका निकाल लेना है। ये तो थोड़ी जनरल सी बात है कि रजिस्ट्रेशन करना कैसा है। जो मेन वीडियो का टॉपिक है मेरा फीस का, वो मैं आपको अब बताता हूँ। एप्लीकेशन फ़ी फॉर कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द इंडियन एग्ज़ाम सेंटर्स, ये इंडियन एग्ज़ाम सेंटर्स वालों के लिए है। तो सबसे पहले कैटेगरी वाइज मैं बताता हूँ। जेई मेन पेपर 1 बीटेक, बी और बीटेक, और जेई मेन पेपर 2 बी आर्क बी प्लानिंग ओनली। जनरल ओबीसी बॉयज़ के लिए 500 और गर्ल्स के लिए 250, एकदम हाफ है सारे केस में ऐसा ही है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर के लिए 250 बॉयज़ और 250 गर्ल्स है, इसमें बराबर बराबर है। और ये हो गई इंडियन सेंटर्स की बात। अब हम बात करते हैं एब्रॉड सेंटर्स की बात। तो इसमें हम देखते हैं जेई मेन पेपर 1 और जेई मेन पेपर 2 बी आर्क बी प्लानिंग ओनली, 2000 फॉर बॉयज़, 1000 फॉर गर्ल्स, ये है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 1000 फॉर बॉयज़ और 1000 फॉर गर्ल्स, इसमें सेम है। तो वैसे ये देखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट वाले में भी इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये दोनों पेपरों की कंबाइंड करके फ़ीस लिख रखी है। बट अभी हम खाली ऊपर वाला देखेंगे, जेई मेन पेपर 1 और जेई मेन पेपर 2। तो इसकी जो फ़ीस है वो 2000 है बॉयज़ के लिए और 1000 है गर्ल्स के लिए। और सेम ऐसी पीछे वाले केस में था, यानी कि इंडियन सेंटर वालों में, उसमें इसकी कोई नहीं है ज़रूरत क्योंकि ये दोनों के साथ, ये जनवरी और अप्रैल जिनको दोनों एग्ज़ाम देने थे, उन्होंने जो साथ में फ़ीस पेड करी थी दोनों एग्ज़ाम्स की, वो उन्होंने ये फ़ीस पेड करनी थी। तो अभी तो जनवरी वाला चला गया, बट अभी 2 वाले के लिए फ़ीस ये रहेगी। तो गाइस, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट डेट्स और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट होगा। तो मैं अभी आज अपनी इवनिंग वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें। नीट, एम्स और जेई की अपडेट्स हमारे चैनल पर आती रहती है सारी। और मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।